हे गाइस, कैसे हो तुम लोग यार। आई होप कि तुम लोग काफी अच्छे हो। एग्जाम के प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो जी हाँ, हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी नोट्स खरीद लिए हैं और एग्जाम्स के नोट्स बहुत ही जल्दी अवेलेबल करा दिए गए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मे बी सर इसके बारे में जानकारी नहीं थी। एंड यस, नोट्स आर स्टिल अवेलेबल एंड यू कैन परचेज इट एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। एग्जाम में ज्यादा समय बचा नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप नोट्स फटाफट परचेज कर लीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। साथ ही साथ जो हमारे पास यूट्यूब में वीडियोज अवेलेबल है, आप उन सबको भी वहाँ पे वॉच कीजिए। बहुत सारे नोट्स के वीडियोज वहाँ पे भी अपलोडेड है, ताकि आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो फिर आप वहाँ से भी आप अपना हेल्प एक तरीके से ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ पे और भी ज्यादा कवर्ड हैं, जिसको अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली, अगर आप दोनों को मिला करके जाते हो, एक दोनों को मिला करके तैयारी करके अगर आप एग्जाम में जाते हो तो डेफिनेटली आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आईबीओ 5 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। बहुत ही रिसेंट का क्वेश्चन है आप बोल सकते हो, जो कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पोर्ट इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द फास्ट डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किसी भी कंट्री के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्राइवेटाइजेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी है। तो वो क्यों है या कैसे है, हम एक एक करके इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए फिर हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नाउ, private sector participation, the government of India has permitted private sector participation under provisions of the Major Port Trust Act 1963. The main emphasis here is on the development of ports with better technology and investment, है ना। तो private sector participation के कारण से जो है जो government है वो एक तरीके से लोगों को allow कर रही है, different companies को allow कर रही है, ताकि वो Major Port Trust Act 1963 के तहत जो है जो जो भी प्रोविजंस हैं उनके तहत उनको अलाउ किया जा रहा है कि वो भी यहाँ पे आकर के पार्टिसिपेट कर पाए और अपने बिजनेस को बढ़ा वो भी अपने बिजनेस को बढ़ा पाए। साथ ही साथ जो हमारा पोर्ट स्ट्रक्चर है वो भी उसको भी जो है वो लोग एस्टैब्लिश कर पाए। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड फॉलोइंग एरियाज फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। गवर्नमेंट ने इन सारे एरियाज को जहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो सकता है या क्रिएट किया जा सकता है, उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। पहला है लीजिंग द पोर्ट। सबसे पहले आपने पोर्ट के जो एसेट्स हैं उसको आपने लीज पे दे दिया, है ना। पायलटेज, कुछ वहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आपको स्टार्ट करवाने हैं तो उसके लिए उसको आपको पायलट प्रोजेक्ट अगर आपको करना है तो वहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट कराया जा सकता है। ड्रेजिंग हो सकती है, कैप्टिव पावर प्लांट वहाँ पे तैयार किए जा सकते हैं, कैप्टिव फैसिलिटीज फॉर पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज वहाँ पे तैयार की जा सकती है, आउटसोर्स की जा सकती है, जो कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दी जा सकती है इन सारे कामों को। शिप रिपेयर एंड ड्राई डॉकिंग फैसिलिटीज, ये फैसिलिटीज जो है तैयार की जा सकती है बाय द प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे गवर्नमेंट सोच रही है। सातवां है कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ कंटेनर टर्मिनल, ये भी है। सप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ क्रेनेज एंड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ स्टोर हाउसेज, वेयर हाउसेज, टैंक फार्म्स एंड अदर सपोर्ट फैसिलिटीज, ये भी पॉसिबल है। लीजिंग इक्विपमेंट फॉर हैंडलिंग कार्गो एंड फ्लोटिंग क्राफ्ट, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। 11वां नंबर पॉइंट है कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ कार्गो, विच इज इन बल्क और ब्रेक बल्क, स्पेशलाइज एंड एंटी मस्ट एंड मल्टी पर्पसेज, उन सब का इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। एंड प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को यहाँ पे अलाउ किया जा सकता है कि वो जो है काम यहाँ पे कर सके, है ना। ऐसे काम पे जो है प्राइवेट पार्टिसिपेशन दिया जा सकता है। Now, the government would also provide loan assistance to overcome problems of liquid cash in case of non-materialization of traffic project for BOT only, है ना? तो balance of trade की वहाँ पे बात की जा रही है, तो BOT के case में जो है आपको जो है लोन की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा सकती है। अगर आपको लोन की आवश्यकता है तो जैसे कि लिक्विडिटी कैश की आवश्यकता पड़ती है हर एक चीज में, तो वो चीजें जो है आपको प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। द मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 वाज अमेंडेड इन 1997 टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, है ना। तो जो मेजर पोर्ट एक्ट था हमारा 1963 का, उसको अमेंड किया गया, उसमें बदलाव लाया गया 1997 में, ताकि जो टैरिफ अथॉरिटी है मेजर पोर्ट्स की वो इंडिपेंडेंट हो सके, बहुत ही आसान तरीके से वो काम कर सके, उनको हर एक चीज के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, है ना। तो इस चीज के ऊपर काम किया जा रहा है। और अभी की जो गवर्नमेंट है वो पोर्ट को बहुत ही आसानी से लोगों को लीज पे दे रही है। जैसे कि आपने अडानी पोर्ट्स का नाम सुना होगा, अडानी को बहुत ही ज्यादा चीजें पड़ी हैं। उसका हमें फायदा भी है, थोड़ा सा नुकसान भी है कि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे ज्यादा घुस रहा है, बट इससे फर्क नहीं पड़ता, लीज पे ही है। एट द एंड ऑफ द डे वो चीजें जो है गवर्नमेंट के पास वापस आ जाएंगी, लेकिन उस टाइम तक उस घराने को, उस अडानी फैमिली को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। खैर, तो हमें हमारी कंट्री के डेवलपमेंट से मतलब है, ठीक है ना।
स्टेटरी बॉडी, स्टेटरी बॉडी की अगर हम बात करें तो टैंप जो है ट्रैफिक अथॉरिटी ऑफ मेजर पोर्ट्स वाज सेट अप टू रेगुलेट द पोर्ट ट्रैफिक, है ना। तो पोर्ट का जो ट्रैफिक होता है जैसे कि प्लेन का ट्रैफिक होता है ना, प्लेन कहीं उतर रहा होता है तो कितने सारे प्लेन्स एक टाइम पे यू नो उस रनवे पे, रनवे पे तो नहीं उस पूरे के पूरे ग्राउंड पे रहेंगे, कौन सा प्लेन किस रनवे पे कब उड़ेगा, है ना। कि ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो काम है वो जो है टैंप करती है, हमारा ट्रैफिक अथॉरिटी ऑफ मेजर पोर्ट्स करती है। तो एक स्टेटरी बॉडी है, लीगल बॉडी है आप बोल सकते हो, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफर्स फॉलोइंग इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट सेक्टर्स। अब यहाँ पे देखो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए बहुत ज्यादा ऑफर्स भी जो है उनको दे रही है। क्या क्या ऑफर्स है? सबसे पहला है टैक्स हॉलीडे फॉर 5 ईयर्स, उनका टैक्स हॉलीडे रहेगा 5 ईयर्स के लिए। 30% रिबेट ऑन अर्निंग इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, उनको जो है 30% रिबेट दिया जाएगा उनके अर्निंग, उनका जितना भी अर्निंग होगा उसके 30% के ऊपर उनको रिबेट मिलेगा, किसी भी तरह का टैक्स जो है उनके ऊपर चार्ज नहीं किया जाएगा। इन पीरियड ऑफ 12 ईयर्स फॉर प्रोजेक्ट कमीशन, अगर कोई प्रोजेक्ट कमीशन के तहत काम करता है, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाता है तो 12 सालों तक आपको ये फैसिलिटी जो है मिलने वाला है। जनरली 5 साल के लिए होगा लेकिन यहाँ पे 12 सालों की भी बात की जा रही है, इफ यू आर इंडल्ज इन प्रोजेक्ट कमीशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड कंसिस्टेंट क्रेडिट टू प्राइवेट प्लेयर। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको लोन की आवश्यकता पड़ेगी, उनके घर से तो वो पैसे लाएंगे नहीं, कोई भी आदमी घर से अपने पैसे नहीं लेकर के आता, वो लोन लेकर के ही काम को करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो उस चीज के लिए यहाँ पे जो है यू नो उनको उनकी उनको लोन बहुत ही सस्ते दामों पे मिल सके, इस चीज के लिए एक IDFC जो हमारा बैंक है, एक तरीके से जो क्रेडिट कंपनी है बोल सकते हो, उसका निर्माण किया गया जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, है ना, जहाँ पे वो क्रेडिट प्लेयर्स को लोन देती है। तीसरा है ऑल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स, है ना, किसी भी तरह का आपको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स करवाना है आप यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करा देगी। चौथा है टैक्स कंसेशन 40% ऑन इनकम फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जो होती है जहाँ पे आपने फाइनेंस किया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां पे अगर आपको किसी भी तरह का इनकम होता है तो उससे रिलेटेड इनकम के ऊपर आपको 40% का टैक्स जो है आपको कंसेशन मिलेगा, आपको किसी भी तरह का टैक्स जो है उस चीज के ऊपर आपको पेमेंट नहीं करना है। पांचवा नंबर पॉइंट है टैक्स रिलीफ फॉर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन इक्विटी डेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि इन सारे इन्वेस्टमेंट्स में बढ़ावा देते हैं, मतलब यू नो अपने इक्विटी या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट जो है उन कंपनीज की या उस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के, अगर वो उसके आप उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, टैक्स रिलीफ भी मिलेगा। छठा नंबर पॉइंट है ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर 74% FDI इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, ठीक है ना। तो 74% जो अभी के टाइम पे FDI को बढ़ा करके कर दिया गया है कि कोई भी बाहर की कंपनी जो है इंडिया में आकर के इंडियन कंपनीज में इंडियन पोर्ट में वो 74% तक का जो है FDI वहां पे कर सकती है, इससे उनको भी फायदा होगा और हमारी गवर्नमेंट हमारे इंडिया को भी फायदा होगा, ठीक है। The maritime nations have also taken a step for development of minor and intermediate ports via increased private sector participation under BOOT, BOT, BOST and BOMT principles. तो ये principles हैं, sorry मुझे balance of trade लग रहा था, but ये principles हैं जिसके तहत जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जो बहुत सारी मैरिटाइम नेशंस है, मैरिटाइम मतलब ऐसे नेशन जो कि यू नो पानी के क्षेत्र में जो है बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व है बोल सकते हो, पानी में businesses, जैसे हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो प्लेन से भी किया जाता है, सामान को पहुंचाया जाता है और पानी के रास्ते भी पहुंचाया जाता है। तो जो पानी के रास्ते जो पहुंचाया जाता है उसको मैरीटाइम बोलेंगे। तो मैरीटाइम नेशंस उन्हीं को बोलेंगे जो इस चीज में इंडल्ज होते हैं, बहुत ही ज्यादा यू नो एक तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत से मैरीटाइम नेशंस ने भी इस चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जहाँ पे वो जो है डिफरेंट प्रिंसिपल्स के तहत जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और खुद का और कंट्री का भी भला कर रहे हैं। Other steps include development of captive facilities for refineries, power plants, etc. इसके अलावा आप बोल सकते हो कि captive refinery, captive facilities भी provide की जा रही है refineries के तौर पे, power plants के तौर पे, etc. इन सारी चीजों को भी वहाँ पे development किया जा रहा है। But there has been very limited response from private enterprises, despite of several encouraging steps taken by the government. लेकिन still इतने सारे steps लेने के बावजूद भी बहुत सारे private players जो है इसमें back off कर जाते हैं, इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। लेकिन अभी के time पे आपको पता है कि अडानी ports इसमें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अडानी ports का जो share है वो पिछले कई साल पिछले कुछ महीनों में जो है 400-500% तक जो है वो उछल गया है, just because उसको इतने बड़े बड़े contract जो है वो government की तरफ से मिले हैं। This is mainly on the account of following. वो किस लिए हुआ है? वो इन तीन चीजों के कारण हुआ है। पहला है रिक्वायरमेंट्स ऑफ हाई इन्वेस्टमेंट, नहीं ये एक्चुअली है कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो पीछे क्यों हट जा रही है, वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाह रही है। तो सबसे पहला रीजन है कि वो क्यों पीछे हट जा रही है, पहला रीजन है रिक्वायरमेंट ऑफ हाई इन्वेस्टमेंट। आपको बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी जो कि छोटे मोटे प्लेयर्स के लिए के बस की बात नहीं है।
प्रोजेक्ट जेस्टेशन पीरियड इज लॉन्ग, यहाँ पे प्रोजेक्ट जेस्टेशन पीरियड जो है लंबा है, प्रोजेक्ट लंबा खिंचेगा ड्यू टू डिले इन गेटिंग क्लियरेंसेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेलिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे डर है बहुत ही ज्यादा कि आने वाले समय में जो है आपको क्लियरेंस आसानी से मिले ना मिले, आपका जो फुलफिलमेंट है ऑर्डर का वो ठीक तरीके से टाइम पे हो पाए या ना हो पाए, इस कारण से भी जो है बहुत ही ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ पोर्ट्स इन इंडिया आर अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया में जितने भी ज्यादा पोर्ट्स हैं, मेजोरिटी ऑफ पोर्ट जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और जहाँ पे गवर्नमेंट होती है वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो इसलिए भी लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं। पर अभी गवर्नमेंट खुद एक तरीके से ईज ऑफ बिजनेस प्लान के तहत जो है लोगों को लोन्स प्रोवाइड कर रही है, एक ईजी विंडो उन्होंने बना करके रखा हुआ है कि आप बहुत ही आसानी से लाइसेंसेस वगैरह ले सकते हो, बहुत ही आसानी से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक लोगों के मन में एक रहता है कि नहीं, गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पे बहुत ज्यादा है, प्राइवेट बिजनेस नहीं है तो हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा भी होता है। और लो रेट ऑफ रिटर्न, और जो रिटर्न रिटर्न होता है वो भी बहुत ही लो होता है। हालांकि अगर आप देखो तो देखा जाए तो एक्यूमुलेट करके अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा रिटर्न होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही लो रिटर्न होता है, लेकिन हाँ अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आपको रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में शायद लो रिटर्न रहता है जिसके कारण से बहुत सारी कंपनीज जो है इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहती है। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिसेंट एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज में भी था और एग्जामिनेशन भी इससे आपसे पूछा जा सकता है। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इन सब वीडियोस को देखने के साथ साथ जो पुराने वीडियोस है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप उन सबको वॉच कीजिए, आपको वहां से बहुत हेल्प मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है, चाहे फोन या फिर व्हाट्सएप कहीं पर भी, फोन या फिर एंड्रॉइड आपका लैपटॉप कहीं पर भी आप जा सकते हो, आपको सिंपली टाइप करना है कॉमर्स ई पाठशाला, बहुत ही सिंपल सा तरीका है टाइप करने का। आपने टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद बहुत सारे रेफरेंस निकल करके आएंगे। सबसे पहला रेफरेंस देखो हमारा ही है, कॉमर्स ई पाठशाला यूट्यूब, है ना, ये जो आइकन है ये हमारे चैनल का है, आपने इसके ऊपर क्लिक किया, आइकन के ऊपर या फिर चैनल के नाम के ऊपर क्लिक किया, ये हमारा चैनल यहाँ पे खुल गया। अब आप बोलोगे कि सर हम आईबीओ 5 कैसे स्टडी करेंगे या हमारा एमकॉम कैसे स्टडी करेंगे, आपने यहाँ पे एमकॉम जैन न्यू भी करके रखा हुआ है, मतलब एमकॉम ऐसे लोगों के लिए जिनका एडमिशन जैन 2022 के बाद हुआ है, ये उनके लिए है। पर आप पुराने कोर्स में हो, आप आईबीओ 5 पढ़ रहे हो, तो आपको एमकॉम ओल्ड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आपको एमकॉम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे दिख जाएंगी। अगर आप इन सबको अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, मिलता है अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।